नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। उत्तराखंड में मिशन 2022 की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती नजर आ रही है। हल्द्वानी में अरविंद केजरीवाल की 6 बड़ी घोषणाओं के बाद तो चुनावी रण और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। केजरीवाल का दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा ना होने पर 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 6 महीने के भीतर 1,00,000 नौकरियों की व्यवस्था समेत कई अन्य घोषणाएं केजरीवाल ने की हैं। इन घोषणाओं के बाद अन्य राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस का दावा है कि ये घोषणाएं सिर्फ हवा हवाई हैं, वास्तविकता से इसका कोई नाता नहीं है, ना ही कोई सरोकार है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। उत्तराखंड में समय बीतने के साथ ही विधानसभा चुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प और रोचक बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में एंट्री के बाद से चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पहले 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बाद रविवार को अरविंद केजरीवाल ने एक और रोजगार दांव चला है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 6 बड़ी घोषणाएं हल्द्वानी में की है, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार, रोजगार नहीं मिलने पर परिवार के एक सदस्य को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 80% नौकरियाँ उत्तराखंड वासियों के लिए रिजर्व होंगी। रोजगार और पलायन मामले का अलग से विभाग बनाया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा, ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। रोजगार मिलने तक 5,000 हर परिवार से एक बेरोजगार को मासिक भत्ता दिया जाएगा। सरकार और प्राइवेट सेक्टर में 80% रोजगार स्थानीय उत्तराखंड के लिए दिए जाएंगे। सरकार बनने के 6 महीनों के भीतर 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। रोजगार पंजीयन के लिए हमारी सरकार जॉब पोर्टल संचालित करेगी, जिसमें जॉब देने और जॉब लेने वालों को आपस में जोड़ा जाएगा और उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की इन घोषणाओं ने अन्य राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता बाहरी तौर पर आप पार्टी से किसी प्रकार से कोई खतरा न होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भीतरी तौर पर दोनों ही दल काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चुनाव आते ही अन्य राजनीतिक दल जनता के वोट हासिल करने के लिए इस तरह की घोषणाएं करेंगे जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। दिल्ली और उत्तराखंड की परिस्थितियों में काफी अंतर है। केजरीवाल मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा। आपने देखा होगा चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी के लोगों ने रोजगार गारंटी का जो है वो देने का काम किया था और किसी को भी जो है उस पर कोई पैसा नहीं मिला, केवल लोगों को भरमाने का काम है। आज जो भी जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, तमाम पार्टियां केवल चुनाव एजेंडे को ध्यान में रख के नौजवानों को, युवाओं को एक प्रकार से जो है फिर से वही सब साग दिखाने का काम कर रही है। हमारा काम ये नहीं है, हम तो सीधे सीधे यहाँ के नौजवान युवाओं के लिए ठोस योजना लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल जी की केवल घोषणाएं चुनावी स्टंट है उत्तराखंड के सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए, उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए, हर उनके भविष्य से कुछ नहीं होना है। दिल्ली और उत्तराखंड की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ उतने नहीं है जिस तरह की घोषणाएं करते जा रहे हैं। यहाँ तो मेहनत करके लोग खाते हैं, उस व्यवस्था को दुरुस्त करना केजरीवाल के बस की ना, उन पर इतना विजन है ना कुछ नहीं है, केवल छोटे नारे हैं जनता को गुमराह करने के लिए है। यहाँ निश्चित रूप से जो यहाँ की भावनों को नहीं समझता हूँ, अगर भावनों को समझते हो तो केजरीवाल जी
दिल्ली में किसी उत्तराखंडी के टिकट के होते 25 लाख उत्तराखंडी हैं, वो क्या उत्तराखंड की भावना को समझते हैं। कुल मिलाकर आपके उत्तराखंड में एंट्री से राज्य का चुनावी रण काफी दिलचस्प हो गया है। पहले 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा ने राजनीतिक पारे को गरमाया और अब एकाएक 6 बड़ी घोषणाएं कर केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब भले ही बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी से किसी प्रकार की कोई टेंशन न होने का दावा करे, लेकिन सच ये है कि इन घोषणाओं से भीतरी तौर पर दोनों दलों पर दबाव तो बन ही रहा है। यही हाल हमने केजरीवाल की 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा में भी देखा, जहां केजरीवाल की घोषणा करते ही अगले दिन ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत को भी मुफ्त बिजली की घोषणा करनी पड़ी। वो अलग बात है कि ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह गई। देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल का अब अगला दाव क्या होगा। देहरादून से न्यूज वॉल इंडिया के लिए सुभाष कौर की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में समय बीतता जा रहा है और समय बीतने के साथ ही विधानसभा चुनाव की लड़ाई भी जो है वो बहुत दिलचस्प होती है और रोचक बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दरअसल एंट्री हो गई है उत्तराखंड में, और वो भी किस तर्ज पर, जिस तर्ज पर वो दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री रोजगार, फ्री बस सेवा और इसी तरह से अब उत्तराखंड में भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल ये नहीं जानते हैं कि दिल्ली और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे ज्यादा जो फर्क है वो ये कि उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन वहां पर सबसे ज्यादा होता है। प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, जो आपदा है, वो लगातार बढ़ती रहती है। ऐसे में आप बात करते हैं कि फ्री में आप वहां पर पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे और फ्री में अब आप बेरोजगार भी देने की बात कर रहे हैं। वो भी अगर रोजगार नहीं देते, अगर एक साल में रोजगार नहीं मिलता तो आप रोजगार भत्ता देंगे। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से रणनीति साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ये कहती है कि सिर्फ हवा हवाई है, हकीकत कुछ और ही है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र आनंद जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, लखपत बुटोला जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संजीव वर्मा बीजेपी मीडिया प्रभारी है। तो आम आदमी पार्टी पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आम आदमी पार्टी से ही हो जाए। देखिए, आप दिल्ली की तरह उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड आप जीत सकते हैं? रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल रविंद्र जी, आवाज आ रही है जी, आ रही है आपको? आ रही है जी? जी हाँ। देखिए मैडम, ऐसा है, देखिए ऐसा है मैडम कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें जी, तो उत्तराखंड के हजारों लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं और दिल्ली का मॉडल और दिल्ली का रोजगार का मॉडल उत्तराखंड वासियों ने देखा है। और उत्तराखंड का दिल्ली से एक दूसरा नाता ये भी है कि लगभग 50-60% लोगों के रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। उसने जो दिल्ली में जो काम हुए हैं बिजली को लेकर, पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, वो यहाँ के लोगों तक उसका मैसेज क्लियर आया है। और दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा ना कि सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, तो मैडम पलायन का मूलभूत कारण क्या है? पलायन का मूलभूत कारण है बेरोजगारी। अच्छा। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार बेरोजगारी पर ही एक ऐसा ऐसी बात कही है जिससे उत्तराखंड के युवाओं में, उत्तराखंड के लोगों में अब ये लोग आश्वस्त हो गए हैं कि अब हमें ऐसी सरकार मिलेगी। लेकिन ये फ्री की राजनीति, ये फ्री की राजनीति, रविंद्र जी ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये फ्री की राजनीति कब तक करिएगा? देखिए, दिल्ली में आपको 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब उत्तराखंड में भी आप पैर जमाने की कोशिश करें, लेकिन फ्री की राजनीति चलेगी कब तक? क्योंकि दिल्ली में तो जनता त्रस्त है, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ और पिछले कई सालों से मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, दिल्ली में किस तरह की समस्या है बखूबी जानती हूँ। देखिए मैडम, अगर आप दिल्ली में रहते हैं जी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जब 2015 में हम चुनाव में आए तो हमने जनता के सामने अपना मैनिफेस्टो रखा। बिल्कुल। और हमने कहा अगर हम सरकार में आए तो ये करेंगे, ये बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छे स्कूल होंगे। उसके बाद जब हम 2020 में चुनाव में गए दोबारा से,
तो हमने जनता से कहा कि अगर हमने अपने पुराने मैनिफेस्टो पे काम किया है, अगर आपको लगता है हमने काम किया है तो हमें वोट कीजिएगा, अगर आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम नहीं किया है तो हमें वोट मत कीजिएगा। जनता ने जी खोल के वोट किया, 63 सीटें आई, कई ऐसी सीटें थी जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की जमानत तक नहीं बच पाई। तो इससे एक बात तो साबित होती है और मोहर लगती है कि जनता ने यह माना कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने फ्री की बात कही है, मैडम फ्री कुछ नहीं होता, आप समझ लीजिए बात को, फ्री कुछ नहीं होता। आप एक माचिस की डिब्बी खरीदने जाते हैं, आप एक नमक की थैली खरीदने जाते हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें आप पहले से उसमें GST इंक्लूड होता है, उसमें वैट इंक्लूड होता है, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, वो टैक्स सीधा सरकार तक पहुंचता है जिससे सरकार चलती है, और सरकार में विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जब उन लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है, फ्री पानी मिल सकता है, फ्री स्वास्थ्य मिल सकता है, तो आम जनता को क्यों नहीं मिल सकता? मुझे आप मेरा आपसे सवाल है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल आप ये बताएं, जिस देश में जनता देश को चलाती है, उस जिसमें जिसको जिस प्रजातंत्र में हम रहते हैं, बिल्कुल, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, और जिसमें यहाँ के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में काम हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में काम हुआ है, लेकिन कितनी कठिनाइयां आप लोगों को हो रही हैं कि आप ये नहीं जानते हैं। चलिए वो तो देख लीजिएगा जब 2022 में MCD के चुनाव होंगे दिल्ली में, वो तो आपको साफ हो ही जाएगा कि कितना काम आपने किया है कितना नहीं। फिलहाल उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूं और आपके पास मैं आऊंगी, उससे पहले संजीव जी के पास जाना चाहूंगी। संजीव जी, अभी आपने सुना कि आपके प्रवक्ता रविंद्र जी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि उत्तराखंड की जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए और हम जनता को उनकी सहूलियत के हिसाब से तमाम जो वादे हैं वो कर रहे हैं ताकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो वहां की जनता को पसंद आए। लेकिन क्या हर जगह मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में रोजगार बांटेंगे तो क्या आम जनता बरगला जाएगी? क्या आम जनता को नहीं पता है कि मुफ्त की राजनीति जो है दिल्ली में किस तरह हो रही है? संजीव जी, देखिए जी, मेरी आवाज आ रही है? हां जी, आवाज आ रही है मेरी। जी जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो और झूठ बोलना और धोखा देना केजरीवाल जी की नस नस में बसा है। सपने बेचने आए थे रविंद्र जी, सुनते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, हाथ में कलम लेके बैठे हैं, पेपर पेन लेके बैठे हैं, सुनते जाइएगा, नोट करिएगा। मैडम मुझे जरूरत नहीं है, मैं हर समय तैयार रहता हूँ। आप कोई लड़ाई तो आपके सीधे इनसे ही है ना, मर्जी हो लड़ाई तो आपके सीधे सीधे इनसे ही है, तो लिखना तो पड़ेगा आपको। मैडम आप इस बात को अगर मानते हैं कि हमारी लड़ाई सीधा भाजपा से है तो इस बार भाजपा गई, तो भाजपा सबको बता दूं। देखिए संजीव जी, सीधे सफाया, कोई सीट का कोई नाम, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सीधा सुपड़ा साफ बीजेपी का। मैडम देखिए, मैडम वोट जनता ने करना है, संजीव भाई वोट जनता ने करना है, आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी बात बोल चुके, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अभी नगर निगम के चुनाव हुए, अभी पंचायतों के चुनाव हुए, अभी और कई सारे चुनाव हुए, और अभी आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे। पिछले जितने भी चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी जहां जहां भी लड़ी है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह सफाया हुआ है, जमानतें जब्त हुई हैं और विधानसभा जब आपने इतनी सुर्खियां बटोर ली है, आपके लिए तालियां भी बज गई हैं। संजीव जी देखिए, मेरे को एक मिनट का समय दीजिएगा, मेरे पास भी समय ज्यादा नहीं है। बोलने तो दीजिए संजीव जी, मैं बोलने दूंगी, बस एक छोटा सा पॉइंट, बस एक छोटा सा, मैडम बोलने दीजिए जी। संजीव जी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, चलिए ठीक है मैं समझ गई, आपके लिए वाहवाही भी हो गई, तालियां भी बज गई। अब ये बताइए कि जब बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूत है, बीजेपी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो बीजेपी चेहरे क्यों बदल रही है? 5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों के चेहरे, क्या बात है, 5 साल तो पूरे भी नहीं हुए। अगला नंबर संजीव वर्मा जी का नाम। संजीव जी, रविंदर जी हमारी पार्टी में कुछ नहीं हो सकता, शुभकामनाएं दे रहा हूं। हर नेता सक्षम है, हमारी पार्टी में हर नेता सक्षम है, और हर अभी आप तय नहीं कर पा रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। फिर जब हर नेता सक्षम है तो फिर 5 साल का कार्यकाल क्यों नहीं पूरा हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? जनता इतनी नाराज है, जनता ज्यादा खुश है।
मैडम देखिए जी, उत्तराखंड में जितने काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा मजबूत हुआ है, पिछले आप अगर 20 सालों का इतिहास उठा के देखते हैं तो पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा प्रगति इन विगत 5 सालों में हुई है। आप देखिए चार धाम ऑल वेदर रोड बन रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बन रही है, सड़कों का पूरे प्रदेश भर में जाल बिछ चुका है, दुनिया भर के फ्लाईओवर्स बन चुके हैं, हर घर नल, 1 रुपए में हम हर घर को नल दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना और हर घर को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, 1000 रुपए का सिलेंडर होने वाला भाई साहब। अरे अरे भैया 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया है, आप खाली जो उसके अंदर सब्सिडी मिलती है उसका भी तो वर्णन करें ना, जो सब्सिडी मिलती है उसको बोलिए। अभी अभी 1.5 करोड़ लोगों को, संजीव जी 1.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला 2 में, संजीव जी आप घिर चुके हैं, देखिए आप पूरी तरह से घिर चुके हैं, आम आदमी पार्टी आप पर हावी हो रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी बात यहाँ पर रविंद्र जी ने कही है वो सच साबित ना हो जाए, सुपड़ा साफ ना हो जाए। चलिए आपके पास वापस लौटूंगी, बहुत देर से लखपत जी भी इंतजार कर रहे हैं, संजीव जी आपको पूरा समय दूंगी। सुनिए एक बात सुनिए, केजरीवाल जी अभी आए हैं, केजरीवाल जी ने कहा हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हर परिवार से 1 व्यक्ति को रोजगार देंगे, तो यहाँ पे तो 23 लाख परिवार है उत्तराखंड के अंदर, इस हिसाब से उनको 23 लाख रोजगार देने चाहिए। ये सवाल पूछा जाएगा, तो बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा, इसका जवाब भी दूंगी। 23 लाख रोजगार देने चाहिए संजीव जी, तो उन्होंने एक समय की कमी है, मुझे जल्दी जल्दी आप लोगों से सबके कमेंट लेने, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं लखपत जी, 23 लाख परिवार तो बेरोजगार रह जाएंगे, लखपत जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, संजीव जी समय दीजिएगा, धैर्य रखिए, आपसे भी सवाल करूंगी, आप जवाब दीजिएगा। बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, पहले ये बताइए आप, लखपत जी आप लोगों को आयुष्मान, कितने लोगों को आयुष्मान जी, बहुत देर से आप आम आदमी पार्टी को भी सुन रहे हैं, आप बीजेपी को भी सुन रहे हैं, देखिए कांग्रेस कांग्रेस उत्तराखंड में बहुत सालों रही है और बहुत अच्छे से काम किया है ऐसा आपकी पार्टी लगातार कहती है, लेकिन अब मुख्य विपक्षी भूमिका में केजरीवाल जी उतर आए हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में रोजगार दे रहे हैं, आपके पास क्या कुछ है फ्री का? पहले तो मैं आपसे कह दूं, यदि मैं बातें रखूं तो बीच में न कहिए लोग, बिल्कुल सुने उसके बाद जवाब जी। मैं एक बात, मुझे सख्त एतराज है मैडम जी, आप बार बार जो बातें करें, आप उस पार्टी की बात करना चाह रहे हैं जिस पार्टी का उत्तराखंड में 0% वोट नहीं है, उस पर आप इतनी बड़ी डिबेट करें, अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा 2 बातें कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा इस पार्टी में भाजपा का जवाब दूंगा, इस पार्टी का जवाब, ये पार्टी कहती है कि बेरोजगारी से पलायन है, तो कर्नल कोठियाल रोजगार होके क्यों पलायन करके देहरादून में बसे हैं, जवाब तो इस पे देना पड़ेगा ना, कि पला जब कर्नल कोठियाल रोजगार पे तो देहरादून में क्यों पलायन कर गए, पहली बात है। उसे इन्होंने कहा कि बेरोजगारी उत्तराखंड की मिलाएंगे, अभी भाई साहब 10 दिन पहले CMI की रिपोर्ट है, ये CMIE की रिपोर्ट है कि दिल्ली में 27.3% बेरोजगारी, देश के 3rd नंबर पे दिल्ली बेरोजगारी में, ये रिपोर्ट है, ये लखपत बिटोला नहीं कहता, सरकारी आंकड़े कहते हैं, और आप उत्तराखंड में कहते हैं बेरोजगारी मुक्त देंगे। तीसरी बात इन्होंने कहा, मैं एक चीज कह सकता हूँ, दिल्ली के 2 बाबा आए, एक गुजरात से आए, एक हिसार से आए, पिछली बार कहा बहुत हो गए बेरोजगारी की मार, अब की बार फलानी सरकार, जुमले सरकार, उस जुमले सरकार ने उत्तराखंड को 23.9% बेरोजगारी दी, प्रदेश का कर्जा 67,000 करोड़ पहुंचा दिया, यहाँ 4 विधायक पे बलात्कार के आरोप चल रहे हैं, तो सरकार के अंदर आप बताइए, ये मैं कुछ जवाब भाजपा से, उनके मुख्यालय में महिला का उत्पीड़न हो जाता है, इस पे ये जवाब नहीं, इनके विधायकों के विरुद्ध जो महिला लगातार 3-3 मुख्यमंत्रियों को लेकर के हाथ जोड़ के कह रही कि मुझे न्याय दिलाए, DNA करवा दीजिए, वो DNA नहीं होता है, ये जो बातें कही जा रही, मैं एक बात निश्चित भूल गया हूँ कि राजस्थान का भंवरी कांड भूल गए क्या, मैं उत्तराखंड की बात हो रही है, अगर राजस्थान का भंवरी कांड भूल गए, सिंगर का कांड मत भूलिए, सुनो आप उत्तराखंड पे रहे, सिंगर का कांड है बहुत कांड, उत्तराखंड के 4 विधायक को आपको जवाब देना पड़ेगा ना, आपके पार्टी मुख्यालय में एक महिला पे छेड़खानी का आरोप लगाती है, आपके संगठन मंत्री महत्वपूर्ण पद पे होते, क्या आपने कुछ किया, आपके मंत्री के सामने एक आदमी बेरोजगार क्या कहते हैं आत्महत्या कर देता है, आपने कुछ किया, 7 साल आपके पास कोई और मुद्दे हैं नहीं,
सर फुटबॉल की स्थिति में सर फुटबॉल की स्थिति से जूझ रहे हैं, सर फुटबॉल की स्थिति से कांग्रेस जूझ रही है। आपके आपके पास कोई रोड मैप है नहीं पिछले पांच सालों में, पिछले पांच सालों में आपने क्या करके दिखा दिया, पिछले पांच सालों में आपने क्या करके दिखा दिया। भ्रष्टाचार में लिप्त है आपकी पार्टी। आपका आपका मुख्यमंत्री कैमरे के सामने कहता है पांच पांच सात सात करोड़ रुपए कमा। हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है तो साढ़े चार साल से भाजपा की सरकार ने चूड़ियां पहनी है, चूड़ियां पहन रखी है आपने चैनल पे, आपके कहते क्या कार्रवाई कर दी आपने। हम तो जीरो टॉलरेंस की सरकार हम चला रहे हैं। देखिए लखपत जी, आपने कहा था कि बीच में रोकिएगा बात, लखपत जी आपने पहले कहा था कि बीच में रोकिएगा बात, और आपने कहा था कि ये क्या मुद्दा, ये पार्टी जो अभी कहीं भी पूरी तरह से कहीं भी दिखाई नहीं देती है उस पर आप चर्चा कर रही हैं। आप लखपत जी और आप कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया, लखपत जी चार साल आपकी सरकार क्या कर रही थी, लखपत जी आप जवाब दीजिए ना, साढ़े चार साल क्या कर। आप कैमरे पे कहते हैं भ्रष्टाचार हो गया तो आप कैमरे पे कहते हैं तो क्यों कार्रवाई नहीं की साढ़े चार साल, इस पे जवाब दीजिए आप। ऐसे तो लग रहा है जैसे कि आपने अभी कहा था कि आप बीच में मत टोकिएगा, मैं नहीं टोकी, मैं चुप रही बिल्कुल। आपने ये कहा कि आप इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, इस पार्टी का अभी कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप लड़ रहे हैं ना उससे तो ये जरूर लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाएगी। आपको लगता है, सुन लीजिए, आपको लगता है अच्छी बात है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत में देखो, मैं पहाड़ के दूरस्थ अंचल से आया हूँ व्यक्ति, तो आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि आपका विजन क्या है, आपका विजन कितना क्लियर है, आपने तो कई सालों राज किया है ना उत्तराखंड पे, आप ये बताइए आपका विजन कितना क्लियर है। आप क्या आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि फ्री में बिजली देंगे, फ्री में रोजगार देंगे, बीजेपी कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने विकास किया है उत्तराखंड में, आप ही बताइए कि आप कौन सा विजन लेकर चल रहे हैं, आपकी तो अभी अंदर कला खत्म नहीं हो रही। मैं विजन सुन, आपने मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं पूरा बता। बिल्कुल, पहली बात है हम परिवर्तन यात्रा को लेकर के तीन बातों पर स्पष्ट बात है। पहली बात है कि हमने 2012 से 17 तक जो काम किया, 17 से 22 तक भाजपा जो काम कर रही है उसका तुलनात्मक अध्ययन। दूसरी बात, हमने उत्तराखंड की यहाँ के रहन सहन खान पान भाषा बोली कला संस्कृति से लेकर यहाँ के कोदा झंगुरा मंडुआ भीमल तीमल राज्य गीत तक की जो हमने उत्तराखंड की जो परिकल्पना की थी जिसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे भाजपा ने खत्म किया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपसे कह, जब हमने सरकार छोड़ी तो 4% बेरोजगारी दर थी, आप 1.9% बेरोजगारी है, उस पर हम जवाब देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब महिला उत्पीड़न का रेशियो जब सबसे कम देश के अंदर था, जीडीपी पे हम दूसरे नंबर पे देश में थे, आज भाजपा ने उसको धकेल के 27वें और 29वें नंबर पे ले जाने का काम किया। ये हमारा विजन है। हम पहली बार हम उत्तराखंड से बेरोजगारी कम करेंगे, हम महिला सुरक्षा देंगे, हम सुन ली मैं बताता हूँ, हमने करके दिखाया ना, हमने करके दिखाया जी। हमने 52,000 लोगों को नौकरियां दी है पिछले सालों में, पांच साल में भाजपा एक नौकरी नहीं कर पाए। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आप बताओ 3 बार पोस्टपोन भर्ती हो गई है। अब उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है, एक लड़का कहता है कि माँ आत्महत्या करके मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती होऊंगा। ये भाजपा की स्थिति इस प्रदेश में बनी हुई। आप एक चीज को समझ लीजिए, मैं दो बातों को कह सकता हूँ, जिस पार्टी पे आप बात करें बेहतर है। मैं तो सारी बातें समझने के लिए तैयार हूँ, जनता कितना समझेगी ये आपको समझाना है। यदि उन्हें 1.5% और 2% वोट भी पड़ जाता है निश्चित रूप से आप चैनल पे बुलाए, लेकिन अभी जिन तरह की बातें दिल्ली से बाबा आता जहाज में आकर के चार बातें कहकर के चले जाता। दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है, मेरा बद्रीनाथ विधानसभा 4,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, यहाँ एक एक विधानसभा 4,500 वर्ग किलोमीटर की है, दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर पे। दिल्ली में देश के सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर है, उसके बावजूद भी दिल्ली में जहाज तैर रहे सड़क के अंदर, नाव तैर रहे सड़क के अंदर। तो आपने देखा दिल्ली के अंदर की किस तरह से, मैंने बेरोजगारी पे आज आपसे बताया, रविंद्र आनंद जी बताए, CMI की रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर 27.3% बेरोजगारी है। यदि दिल्ली की बेरोजगारी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिद्दी के जनता के प्रति जवाब दे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड के नहीं है, जवाब दे दिल्ली के जनता के प्रति। यदि दिल्ली में आप 27, आपने दिल्ली में तो पूरी PhD कर रखी है जी, बिल्कुल PhD करके बैठे हैं लखपत जी दिल्ली पे, जरा पंजाब पे भी बता दीजिए ना, पंजाब में क्या चल रहा है भाई साहब, मैं बता दूंगा आपको। ये पंजाब में क्या चल रहा है, अभी भी खुशी नहीं लेके जा रही है, पहली बार दलित चेहरा उतार कर ले आए आप।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप भी रखिए, मैं गलत कह रहा था, आप मुझे टोक सकते हैं कि लखपत बोला तुम गलत आ राजस्थान पर बोल दीजिए ना, जो सरकार जवाब दे है दिल्ली पे पीएचडी, राजस्थान पर पंजाब में चुप्पी, मेहरबान न करके झूठे जुमले आप बता, पंजाब में जाएंगे यही जुमले, गोवा में जाएंगे यही जुमले, हरियाणा में जाएंगे यही जुमले। चलिए चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट करूंगी, रविंद्र जी से बहुत देर से चुप है, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा लखपत जी, एक आखिरी कमेंट बस मैं लेना चाहूंगी रविंद्र जी बताइए, आपका विजन तो मुझे दिख रहा है कि आप दिल्ली की तर्ज पर जीतना चाहते हैं, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में रोजगार देना चाहते हैं, क्या 1,00,000 रोजगार आप देंगे तो बाकी रोजगार टकटकी लगाकर आपकी तरफ नहीं देखेंगे, बेरोजगार जो है उनको कैसे रोजगार दीजिएगा, जरा समझाइए थोड़ा लेकिन शॉर्ट में। देखिए हाँ, देखिए मैडम, अभी संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि 23,00,000 परिवार हैं, तो क्या बीजेपी के राज में 23,00,000 परिवार बेरोजगार हैं? पहली बात वो यहीं गिर गए, इसका मतलब सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड में है। हमने कहा है अगले 6 महीने में 1,00,000 नौकरियां देंगे, हमने नहीं कहा पूरे सरकार में, सिर्फ 6 महीने में 1,00,000 नौकरी देने का हम काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई लखपत पुटोला जी भी बैठे हैं, कि जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, जैसे हमने बिजली के बारे में बोलना शुरू किया तो माननीय हरीश रावत जी ने सीधा कह दिया कि 200 यूनिट बिजली दूंगा। अरे भाई, आप पंजाब के प्रभारी हैं, राजस्थान में आपकी सरकार, बहुत शॉर्ट में खत्म कीजिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उन पर बीजेपी भी चल रही है और कांग्रेस भी चल रही है, बीजेपी के अभी ऊर्जा मंत्री ने भी। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, लखपत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एंट्री ले गई है, लेकिन एक तरफ ऊपरी मन से बीजेपी और कांग्रेस ये कहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके दावे वादे सब हवाबाई हैं, लेकिन भीतर खाने ये जरूर नजर आ रहा है कि डर है बीजेपी को, डर इसलिए है क्योंकि 3 चेहरे बदल चुकी है, कांग्रेस को डर इसलिए है कि कांग्रेस ने पिछले सालों में जो किया उसका फल उसे मिल ही गया है, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ रही हैं दोनों की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी की जो ट्रिक है वो कामयाब हो सकती है। फिलहाल एक रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।